आधा किलो का एक ही अमरूद था दोस्तों। रोटी है, सलाद है और मिक्स वेज सब्जी है दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 एंड दोस्तों हम लोग हैं अभी उदयपुर पूरा पार कर लिए हैं और हम लोग अभी चित्तौड़गढ़ के पास में। एंड दोस्तों यहाँ पे भाई रात को बहुत ही तेज बारिश हुआ है। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पूरा है जो इधर पानी इकट्ठा हो गया, देखो पानी लग गया है। एंड दोस्तों यहीं पर जो गाड़ी साइड करके सो गए थे, तो दोस्तों मैं तो रात को ही सो गया था, जीजा जी यहाँ तक लेके आया गाड़ी। एंड गाइस रात को हम लोग खाना पीना खा के चले थे टोल टैक्स से दोस्तों, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर, तो हम रात को ही पार कर लिए थे। एंड गाइस चलो भाई, अभी सुबह सुबह टाइम है भाई, इधर राजस्थान में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस देख सकते हैं आगे, देखो उधर से थोड़ा थोड़ा कोहरा हो रहा है। एंड दोस्तों हम लोग अभी फोर लाइन रोड पे। सो गाइस अब हमको कोटा और एमपी बॉर्डर जो पार करना है आज दिन में, उसके बाद फिर हम लोग कल रात को जो पूरा यूपी है जो पार करेंगे। तो चलो भाई चलते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है अभी, ब्रश व्रश कुछ भी नहीं किया मैंने और जियाजी भी नहीं किया, तो आगे चल के करेंगे ब्रश व्रश। एंड दोस्तों फिर देखेंगे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आज गाड़ी में क्या बनता है। एंड गाइस आज तो कुछ भी नहीं है गाड़ी में बनाने के लिए, सिर्फ दाल है और चावल है और आटा है। चलो आगे कुछ ले लेंगे, बढ़िया चीज़ अगर मिलता है तो, और ठंड का टाइम भी है दोस्तों। तो चलो यहाँ से भाई हम लोग चलते हैं अब, और सुबह सुबह का ही टाइम है अभी। तो भाई जी जी मेरे को गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, अब भाई निकलते हैं हम लोग यहाँ से। पूरा तो भाई कोहरा भाई कुछ ज़्यादा ही हो रखा, देखो तो आगे आगे कोहरा दिख रहा है, मगर जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी जा रही है वहाँ पे कोहरा फिर जो नहीं दिख रहा है। एंड दोस्तों कोहरा में जो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी गाड़ी नहीं दिखता है ज़्यादा, और एकदम पास में जाकर दिखता है सामने वाला गाड़ी, और भाई पीछे से भी गाड़ी आता है तो वो भी टेंशन रहता है कि पीछे से कोई गाड़ी ना ठोक ठाक दे, इस कारण से थोड़ा सा आराम से चलना पड़ता है संभल के। तो इधर देख सकते हैं राजस्थान में भाई किस तरीके, इधर भाई जंगल देखो कैसा रहता है। एंड दोस्तों बारिश हो गया, इस कारण से भाई कोहरा भी सुबह सुबह हो रहा है इधर। तो चलो कोहरा में चलना पड़ेगा, हल्का कोहरा है और ठंड तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि ठंड बढ़ने का कारण है कि भाई इधर जो बारिश हो गया है इस कारण से। तो यूपी में पहले बारिश हुआ था, अब राजस्थान में भी इधर हम लोग आए इधर भाई बारिश हो गया है। गाइस हम लोग हैं अभी कोटा में। एंड दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग यूरिया लेने के लिए रुके हुए हैं, अशोका लैंड का जो देख सकते हैं सर्विस सेंटर है, और यहीं पर हम लोग डीजल यहीं पर हम लोग जो यूरिया भरवा लिए हैं। देख सकते हैं भाई यहाँ पे आरओ का पानी भी है, तो यहीं पे हम लोग आरओ का पानी भर ले रहे हैं बाल्टी में, तो रास्ते में पीने का काम आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से। सो गाइस देख सकते हैं एक बाल्टी है जो मैं बर्तन धोने के लिए वहाँ पे रख दिया हूँ भर के दोस्तों, अब वो गाड़ी में रखेंगे और ये पानी भी भर जाएगा, वो भी रखेंगे, फिर हम लोग दोस्तों यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी यूरिया का टंकी फुल हो गया हमारे गाड़ी में दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं भाई, अमरूद के और फूल के और ये सब है। हम लोग अभी जो यूरिया लेके और निकल चुके हैं। एंड दोस्तों यूरिया है जो दो बाल्टी से ज़्यादा आया है हमारे टंकी में। दोस्तों टंकी से भरवाए हैं इस बार, और इस बार मोटर से भरा है लगा के पाए हम लोग। हम लोग को ये पे जहाँ पे हम लोग यूरिया लिए ये पे नमकीन लिया हूँ कुछ तो बिस्किट, तो यही जो थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो जाएगा सुबह का, फिर आगे जाके और कहीं पे रुकेंगे बढ़िया जगह देख का। और रास्ते में इधर भाई कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि भाई इधर पूरा रास्ता ही सुनसान एरिया है, और इधर दूर दूर भाई गाड़ी बहुत दूर दूर पे दिखता है, बड़ा गाड़ी भी। पूरा कोटा में जंगल एरिया है और पत्थर पूरा यानी कि पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो भाई देख सकते हैं अभी जय जो गाड़ी चला रहे हैं अभी, और बस हमको ये पूरा कोटा जो पार करके उसके बाद फिर शिवपुरी आता है जगह का नाम है, और शिवपुरी पूरा पार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एमपी बॉर्डर है जो वहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों। तो अभी उसके बाद एमपी बॉर्डर पूरा पार करेंगे, 100 किलोमीटर एमपी पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग भाई यूपी में जाएंगे। तो झांसी है जो यूपी में ही आता है, तो झांसी में हमको जाना है दोस्तों, तो झांसी से ही हम लोग यूपी में एंटर करते हैं। अभी है टोल टैक्स पे। एंड दोस्तों यहाँ से हम लोग बढ़िया कचौरी ले लिया चटनी के साथ, ग्रीन चटनी। एंड दोस्तों टोल टैक्स के पास में यहाँ पे भाई जैसे टोल टैक्स कटवाते हैं उसके बाद आगे थोड़ा सा आते हैं, तो यहीं पे बढ़िया कचौरी मिलता है गरम गरम एकदम ले लिए हैं। और देख सकते हैं वो सामने देख रहे हैं आप, वही है सामने सामने जो कचौरी वाले का थड़ी है, चाय थड़ी है, कचौरी वचौरी सब मिलता है दोस्तों। चलो अब गाड़ी में चलते हैं, जय जय वहीं पर जाके खा लिए, वो देखो अंदर आके बैठ भी गए हैं, और मैंने गाड़ी का सब चेक कर लिया ड्राइवर। तो चलो अब, और देख सकते हैं भाई मेरे लिए पार्सल लेके आए हैं कचौरी का, ये रहा। तो चलो अब हम भी जो कचौरी खा लेते हैं और पानी भी। सो गाइस देख सकते हैं भाई स्पेशल गर्मा गर्म एकदम कचौरी, और ये रहा चटनी है,
तो धनिया मिक्स है इसके अंदर दोस्तों, लाल चटनी है, पिछली बार ग्रीन चटनी मिला था। चलो भाई कचौरी जो निकाल लिया हूँ मैं प्लेट में और अब खा लेता हूँ और देखते हैं कि भाई इसका टेस्ट जो कैसा है। और इधर राजस्थान में भाई कचौरी ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा तो यानी कचौरी कढ़ी के साथ और चटनी के साथ मिलता है। तो अभी हमको 300 किलोमीटर और पार करना है, तब जाकर राजस्थान पूरा पार हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग घुसेंगे MP में दोस्तों। MP बॉर्डर पे खर्चा वही लगता है 600 रुपये। भाई दाल भरा हुआ है और एकदम मस्त लग रहा है खाने में। तो ठंड का टाइम है तो गर्मा गर्म मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है खाने में। ऐसा कचौरी क्या है इधर आसपास में और दूसरी जगह इधर मिलता नहीं है? गुजरात के साइड हो गया या फिर कोलकाता के साइड, MP के साइड, इधर कहीं पे मिलता नहीं है ऐसा कचौरी। तो चलो यही है जो कचौरी का हमारा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अब शाम तक खाना खाएंगे। तो 3-4-5 ले लिए दोस्तों कचौरी, और इसी से जो पेट भर जाएगा। अभी हमको शाम तक चलते रहना है तो 600 किलोमीटर का भी सफ़र तय करना है। तो जितना भी ख़राब रास्ता है, सुनसान रास्ता है, वो सब दिन दिन में हम लोग पार करते हैं। तो पूरा MP बॉर्डर पार कर जाएंगे जब हम लोग झांसी में चले जाएंगे। तो फिर वहां तक यानी कि भाई इधर थोड़ा सा डर है और ज़्यादा गाड़ी भी नहीं दिखता आसपास में, जिनका देख सकते हैं एक भी गाड़ी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। अभी दिन का टाइम है फिर भी, और रात में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता दूर दूर तक, यानी भाई 8 बजे के बाद तो एक गाड़ी नहीं दिखाई देता है इधर से। इसी कारण से भाई इधर लूट मारे जो ज़्यादा है और ख़तरा है लूट मार करने का, तो इसलिए हम लोग दिन में ही आते हैं इधर, रात में तो नहीं आते हैं। तो चलो थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग गाइस यहाँ पे पोल्यूशन कागज हम लोग गाड़ी का बनवाने के रुके हुए थे। तो भाई देख सकते हैं पोल्यूशन कागज जो हम लोग बनवा लिए गाड़ी का यहीं पे, तो 200 रुपये लगे हैं। तो जो भैया है वो बनाए हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और अभी जो MP बॉर्डर आएगा तो वहाँ पे क्या है पोल्यूशन कागज चेक होता है इसी कारण से। अभी हम लोग हैं जो MP बॉर्डर से पहले ही पीछे हैं 50 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ पे भाई अमरूद बिक रहा था बढ़िया, तो ले लिया हूँ देखो, तो 40 रुपये किलो अमरूद था। गाइस देख सकते हैं आंटी जी बेच रही थी अमरूद, तो ताज़ा अमरूद है यहाँ पे आसपास में, यहाँ पे बगान है इधर देख रहे हैं रोड के साइड में। चलो अमरूद ले लिया हूँ और अब चलते हैं। अब आ गए गाड़ी में, मैं आ गया हूँ अमरूद लेके दोस्तों। आधा किलो का एक ही अमरूद था, देख सकते हैं इधर भाई साइड में रखा हुआ है। तो अलग अलग पूरा टुकड़ा करवा के जो कटवा के लेके आया था मैं दोस्तों, देख सकते हैं को गोभी जो भी खा रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। चलो मैं भी जो खा गए और देख लेते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा है। और भाई ताज़ा अमरूद है एकदम, आधा किलो का एक ही अमरूद था दोस्तों। तो भाई अमरूद का स्वाद है बहुत मस्त है, और अभी पीछे कचौरी का नाश्ता कहते हैं और अमरूद जो खा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दूरी पे इधर है जो कोटा से, यानी कि भाई MP से पहले इधर अमरूद खूब बिकता है इधर रास्ते में। तो राजस्थान में भाई अमरूद का बगान खूब है, और उधर से आते समय भी हम लोग अमरूद ले लिए थे और खाए थे, 1 किलो लिए थे इधर जाते में, आधा किलो लिए अमरूद। तो 40 रुपये किलो अमरूद देता है, और अमरूद एकदम ताज़ा मिलता है और नमक मिर्च लगा के देते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से बॉर्डर जो क्रॉस करना है, तो फिर जहाँ से हम लोग खाना खाएंगे दोस्तों। डीजल भी लेना हमको गाड़ी में, और 15,000 का और डीजल मिलेगा। चलो डीजल भी मिल जाएगा शाम तक, 8-9 बजे तक मिल ही जाएगा। हम लोग जो अभी MP बॉर्डर पार कर लिए हैं दोस्तों, अभी हम लोग MP में हैं। इधर भाई दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं दिख रहा है एंड दोस्तों, खाली ट्रक ही दिख रहा है थोड़ा बहुत जो दिख रहा है। एंड गाइज इधर क्या है कि MP के साइड में इधर बाइक वाला भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। एंड दोस्तों अभी 8 बजे के बाद तो ट्रक भी इधर चलना एकदम बंद हो जाता है दोस्तों। MP बॉर्डर पे हम लोग, हमारा जो खर्चा हो गया गाड़ी में 700-800 रुपये, तो भाई पहले गाड़ी का काटा होता है, उसके बाद फिर MP पे बॉर्डर पे लगता है 600 रुपये, तो 10 चक्का का अलग लगता है 600 रुपये। बाकी हर सबका गाड़ी का जो 12 चक्का का अलग पैसा लगता है और 16 चक्का का अलग लगता है। तो दोस्तों
अभी हम लोग इधर चल रहे हैं दोस्तों, इधर पे कोहरा हो रखा है और आज सुबह से तो धूप देखने को मिला ही नहीं। एंड दोस्तों अभी जो एमपी बॉर्डर पार करके और हम लोग को लेना है डीजल, तो जियो केयर में डीजल लेंगे हम लोग झांसी में। उसके बाद फिर हम लोग उधर, फिर एक सिंगल लाइन रोड है तो टू लाइन रोड ओनली फॉर, तो उस पर चलना रहता है। उसके बाद फिर हम लोग उधर उनके कहीं पर खाना वाना खाएंगे दोस्तों, और फिर रात भर चलना है। उसके बाद फिर हम भाई बिहार बॉर्डर है जो रात को ही पार कर देना है, और सुबह सुबह हमको बिहार औरंगाबाद के साइड रहना है दोस्तों। चलो देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। सो फाइनली गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10 एंड दोस्तों हम लोग खाने के लिए आ गए हैं ढाबा में। एंड दोस्तों हम लोग अभी यूपी में, एंड गाइस देख सकते हैं रोटी है, सलाद है और मिक्स वेज सब्जी है दोस्तों। तो ये फुल सब्जी लगा था, तो चलो खाना खा लेते हैं। देखो जिया जी अभी जो खाना खा रहे हैं, खाना पीना खा के और ढाबा पे से निकल चुके थे। और दोस्तों निकलने के बाद वहाँ से हम लोग 200 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं दोस्तों, पूरा झांसी पार करके। और टू लाइन रोड था पहले, फोर लाइन और फिर उसके बाद टू लाइन रोड, और उसके बाद फिर हम लोग अभी आ गए सिक्स लाइन रोड पे। एंड गाइस यहाँ पे जो बढ़िया है जो टोल टैक्स है, बहुत बड़ा टोल टैक्स है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहीं पे जो हम लोग सोएंगे गाइस, और यहाँ पे आते थे हमको भाई 2 बज गया दोस्तों। चलो खाना पीना भी हो ही गया था, अब यहाँ पे सोते आराम कर लेते हैं, फिर सुबह निकलेंगे दोस्तों 6-7 बजे। अभी कोहरा भी हो रहा है रात को, तो 10-11 बजे से भाई इधर यूपी में कोहरा स्टार्ट हो गया था, तो अभी हम लोग यूपी में ही है। सो गाइस चलो अब रात को यहीं पे आराम करते हैं, सोते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों यहाँ से निकलेंगे। एंड गाइस कैसा लगता है मेरा ब्लॉग वीडियो, मेरे को मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस मिलते हैं अपन जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।